मैं यहाँ 2016 में एनसीएसएल न्यूपा के द्वारा जो 1 month सर्टिफिकेट कोर्स इन स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट किया था। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड वर्किंग एज एसआरजी, स्टेट रिसोर्स ग्रुप मेंबर फॉर स्कूल लीडरशिप फैसिलिटेशन। जब ये कोर्स किया था उससे पहले हमें ख्याल नहीं था कि बेसिकली स्कूल लीडरशिप क्या है। हमने तो जब स्कूल हेड बने थे ये सोचा था कि भाई एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम करेंगे, सीसी रोज काम में लेंगे। बट आफ्टर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम वी अंडरस्टूड द रियल मीनिंग ऑफ लीडरशिप एंड हाउ वी कैन एक्सेल इन स्कूल्स विद द हेल्प ऑफ लीडरशिप, नॉट विद द हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और सीसीए रूल्स। तो यहाँ से जाने के बाद में एज ए स्कूल हेड लीडरशिप फैसिलिटेटर ऑल्सो बहुत सारे स्कूल हेड्स के साथ इंटरेक्शन हुआ। हमने कैपेसिटी बिल्डिंग पर अराउंड 10 डेज वर्कशॉप जो होती है हमारे राजस्थान में, 10 डेज इनिशियली वर्कशॉप होती है, आफ्टर दैट 2 डेज रिव्यू एंड फीडबैक, देन आफ्टर 3 months रिव्यू एंड फीडबैक, एंड देन आफ्टर 3 months रिव्यू एंड फीडबैक। इस तरह से 16 डेज एक लीडरशिप वर्कशॉप हमारा होता है। और उसमें हमने ये फील किया है कि स्कूल हेड्स की कैपेसिटी बिल्डिंग जब हम करते हैं तो डेफिनेटली जो नीपा का भी जो कोट है, कह सकते हैं सेंटेंस है कि एवरी चाइल्ड लर्न्स एवरी स्कूल एक्सेल्स, तो वो डेफिनेटली हम उस तक पहुंच पाते हैं। दिस इज़ व्हाट आई हैव फेल्ट इन माई स्कूल्स।